हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम टू द स्टोरी टाइम एट 9:30। और आज की हमारी कहानी है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप मुझे सुन रहे हैं द स्पीडी ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम रोजाना एक स्टोरी यानी कि कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं और फिर उससे अपनी लाइव क्लासेस के अंदर ग्रामर और ढेर सारे वोकैबुलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अ लॉन्ग टाइम अगो अ वॉर ब्रेक आउट बिटवीन टू किंगडम्स। The large kingdom was very powerful, while the small kingdom was very weak. बहुत पहले की बात है जब दो राज्यों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें से कि एक राज्य बहुत ही बड़ा और समृद्ध था और दूसरा राज्य छोटा और कमजोर था। Small kingdom was sure of its defeat because the number of his soldiers were very less. छोटे राज्य को अपनी हार पे पूरा भरोसा था क्योंकि उनके पास बहुत ही कम सैनिक थे। The army of the large state was about 10 times larger than that of the smaller state. और बड़े राज्य की जो सेना थी वो 10 गुना ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी छोटे राज्य के मुकाबले। The generals of the small kingdom refused to go to the war because they were certain of their defeat. छोटे राज्य के सेनापति और जनरल्स ने युद्ध करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वे युद्ध में हार जाएंगे। They were thinking that with such a small army, it would be foolish to fight with such a large army. Therefore, it is better that we accept defeat without fighting and accept all the demands of the neighboring state. सारे सेनापति और जनरल्स और सैनिक ये सोच रहे थे कि इतनी छोटी सेना की टुकड़ी के साथ इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ना तो मूर्खता होगी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वे अपनी हार को स्वीकार कर लें लड़े ही बिना, और इसके साथ साथ पड़ोसी राज्य की सभी तरह की मांगों को भी स्वीकार कर लें। When king could not put much pressure on his generals and soldiers because even he was aware of this fact. यहाँ तक कि राजा भी अपने सेनापति और अपने सैनिकों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाल सकता था क्योंकि राजा भी जानता था कि उनकी शक्तियां कितनी ज्यादा कम है पड़ोसी राज्य के मुकाबले। But the king was very brave, पर राजा बहुत ही ज्यादा बहादुर और साहसिक था। He did not want to give up without fighting. वो बिना लड़े बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता था। When the generals and the soldiers were reluctant to go to the war, then the king went to a monk living in a village in his kingdom. बहुत प्रयासों के बाद भी जब सेनापति और सैनिकों ने हामी नहीं भरी युद्ध के लिए और वे मना कर रहे थे, उस समय अपने ही राज्य में एक गांव में रहने वाले बहुत ही विख्यात साधु के पास गए। The monk was very famous in that state and everyone respected him very much. साधु बहुत ही प्रसिद्ध थे उस राज्य के अंदर और सभी लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। The king told his concern to the monk. राजा ने साधु को अपना सारा किस्सा सुनाया और अपनी चिंता को बताया। The monk listened to the king carefully and said, साधु ने राजा की बात को ध्यान से सुना और कहा, King, you make me the commander of your army. राजा, तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। The king was surprised to hear the words of the monk and said, Sir, you are a monk and you have no experience of war. राजा अचरज में पड़ गए थे उनकी बातों को सुनकर और उन्होंने साधु से कहा, प्रभु,
आप एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, और आपको युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं है। The monk smiled and said, King, you do as I tell you. The king had great faith in the monk. सन्यासी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपको जैसा कह रहा हूँ, आप कृपया वैसा ही कर लीजिए। राजा को साधु में बहुत ज्यादा विश्वास था। So he made him the commander of his army. अतः उन्होंने साधु को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। When the army came to know that they were going to fight under the leadership of a man who had no experience in war and who does not know how to even hold the sword properly, they were even more afraid. जब सेना को पता चला कि वे एक ऐसे सेनापति की अध्यक्षता में लड़ने वाले हैं जिन्हें युद्ध का कोई भी ज्ञान, कोई भी अनुभव नहीं रहा है और जिन्हें तलवार तक ठीक से नहीं पकड़ना आता है, वे बहुत डर गए। But the monk was in great enthusiasm. पर साधु बहुत ही उत्साहित थे। The king also had full faith in the monk. राजा को भी साधु पे पूर्ण विश्वास था। The army had no choice but to go to the war with the monk. अतः सेना के पास कोई चारा, कोई उपाय नहीं बचा और उन्हें साधु के साथ लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाना ही पड़ा। Anyways, they all left for the war, armed with all their weapons. तो वे सभी युद्ध के लिए निकल गए और साथ ही में उनके पास लड़ने के लिए सारे हथियार थे। On the way, there was a small temple. रास्ते में एक छोटा मंदिर आता था। The monk stopped outside the temple and told his army that before leaving, let us take the blessings of the Almighty. साधु उस मंदिर के बाहर आकर रुक गए और उन्होंने अपनी सेना से कहा कि चलो हम ईश्वर की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। And also ask him what is his wish, whether we will win in this battle or we will lose. और साथ ही में ईश्वर से यह भी पूछ लेते हैं कि ईश्वर की क्या इच्छा है, क्या हम इस युद्ध में हारने वाले हैं या फिर हमारी जीत इस युद्ध में निश्चित है। If Almighty gave us a hint that we will lose the war, then we will go back. अगर ईश्वर का संकेत यह हुआ कि हम इस युद्ध में हार जाएंगे, तो हम पुनः अपने रास्ते पे चले जाएंगे। और But if there is a sign of victory from the God, then we will proceed for the war. परंतु अगर ईश्वर ने हमें विजय का संकेत दिया, तो हम युद्ध की तरफ कूच करेंगे। Although all the soldiers were very scared, they all gathered outside the temple. हालांकि सभी सैनिक बहुत ही डरे हुए थे, फिर भी वे सब मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। The monk worshipped for some time. साधु कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और ईश्वर का ध्यान लगाते रहे। Then he took out a coin from his pocket and shouted in front of the soldiers. उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और सभी सैनिकों के सामने ऐलान किया। He said, I will toss this coin up. मैं इस सिक्के को हवा में उछालूंगा। If it falls upside down, it will mean we will lose the war and then we will return. But if it falls straight,
then it means our victory is certain. And then we will go out for the war without any fear. अगर इस सिक्के का नीचे वाला हिस्सा दिखा, इसका मतलब होगा कि हम युद्ध में हार जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर इसका ऊपर वाला हिस्सा दिखा, इसका मतलब होगा कि हमारी जीत निश्चित है, उसे विधाता ने हमारे लिए तय किया है और उसका मतलब है हमें डरने की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है और हम युद्ध की तरफ आगे बढ़ेंगे। All the soldiers were looking at the monk with great curiosity. सभी सैनिक साधु की तरफ बड़े ही अचरज और आश्चर्य के साथ देख रहे थे। The monk tossed the coin up in the air. और उसी क्षण साधु ने हवा में उस सिक्के को उछाल दिया। The coin fell on the ground and it fell straight. The monk shouted with joy and said, "Leave all the worries." सिक्का ऊपर वाले हिस्से के साथ जमीन की ओर गिरा, यानी कि अब उसका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा था। और इतनी ही देर में साधु बड़ी जोर से चिल्लाए खुशी के मारे और उन्होंने कहा कि सभी चिंताओं को भूल जाओ, Eliminate all the fears, सभी तरह की डर को अपने दिल से निकाल दो, Our victory is certain, हमारी जीत अब तय है। No one can defeat us because Now Almighty has given us hint of our victory. अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि अब स्वयं ईश्वर ने हमें जीत का संकेत दिया है। The whole army was filled with full enthusiasm. और इतनी ही देर में सारी सेना पूर्ण उत्साह के साथ बढ़ गई। Now the hope of the victory was confirmed in everyone's mind. और इसी क्षण जीत का बिगुल बज चुका था, क्योंकि सभी सैनिक अपने दिमाग के अंदर पहले ही उस जंग को जीत चुके थे। With great enthusiasm, they went straight and clashed with the enemy. और बड़े ही जोश और उमंग के साथ सभी सैनिक आगे बढ़े और जाकर शत्रु से भिड़ गए। There was a fierce battle between both the armies. दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। Every soldier of the monk's army was filled with the sure hope of victory. और साधु की सेना के हर एक सैनिक के मन में जीत की आशा का प्रकाश था। After some time, they started to dominate the enemy's army. और कुछ ही देर बाद वे शत्रु की सेना के मुकाबले जीतने लगे। And finally, the army of the monk won the battle. और अंततः साधु की सेना ने इस जंग को जीत ही लिया। While returning, they were passing nearby that temple. The monk said, Let us thank Almighty before leaving. युद्ध से वापस जाते समय वे उसी मंदिर के रास्ते से होकर गुजरे और उस समय साधु ने कहा, चलो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ से निकलने से पहले। All the army gathered outside the temple and started thanking the God. सारी सेना मंदिर के बाहर एकत्रित हो गई और ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। They all were saying, Oh God, thank you so very much that you have made us win. Had you not indicated us about our win, we would have lost. Hey, ईश्वर, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद कि
तुमने हमें बताया कि आज हम जीत जाएंगे और हमें अंततः जिता दिया। अगर तुमने नहीं बताया होता कि आज हमारी जीत निश्चित है तो हमारा हारना तय था। Just then, the monk shouted and said, "Before you thank God, just look at the coin that is lying in my pocket." और उसी क्षण साधु बोले कि इससे पहले कि आप सभी ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, पहले मेरी जेब में पड़े हुए इस सिक्के को देखिए। The monk took out the coin and showed it to all. साधु ने वह सिक्का निकाला और सभी को दिखाया। It was a fake coin, which was straight from both the sides. वह एक नकली सिक्का था जो कि दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता था। It could not fall upside down. उसका कोई भी हिस्सा दूसरे से अलग नहीं था, इसलिए चाहे कोई भी हिस्सा जमीन पर गिरता, वह एक जैसा ही दिखता। The monk said, "Don't thank the God for your victory." इतनी ही देर में साधु ने कहा, ईश्वर का शुक्रिया अदा मत करो अपनी जीत के लिए। You have won due to your self-belief because you were sure to win. आप सभी अपने आत्मविश्वास की वजह से जीते हैं क्योंकि आपको पूर्ण यकीन था कि आप इस युद्ध में अवश्य जीतेंगे। If you were not sure of your victory, you could have lost too. यदि आपको आपकी जीत पे पूर्ण विश्वास नहीं होता और संदेह रहता तो आज आप हार भी सकते थे। Therefore, the biggest reason for this victory is your firm belief that victory will be yours. इसीलिए आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको दृढ़ विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि आप आज के युद्ध में जरूर जीतेंगे और आपकी जीत को कोई भी नहीं ले सकता है आपसे। If we see in our lives, then we will find that the success of all things in our life also depends on whether we are filled with hope to achieve it or not. यदि हम इसे अपने जीवन में भी देखें तो सभी क्षेत्रों में कामयाब होना हमारी जिंदगी में भी इसी चीज पर निर्भर करता है कि क्या हम उसे लेकर सकारात्मक हैं और आशा से भरे हुए हैं कि एक दिन हम कामयाब जरूर होंगे और हम जो चाहते हैं उसे पा लेंगे। और दोस्तों, आप सुन रहे थे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग द स्पीडी ब्रेन्स के साथ। और अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस और आंसर्स को प्रैक्टिस अपनी डेली लाइव क्लास में। और इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू। और हम मिलते हैं कल 9:30 बजे एक नई कहानी के साथ।